सो यस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। ओके, और गाइस, एकदम अभी अभी एकदम शॉकिंग न्यूज़ तुम लोग के सामने आई है कि जो क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम्स जो है जस्ट आफ्टर 15 अप्रैल के बाद होगी। आप किसी भी मतलब वेबसाइट्स में जाओगे वहाँ पे कहीं पर भी बिलीव मत करो, और कहीं पर भी आपको व्हाट्सएप में इमेजेस के थ्रू न्यूजेस आती रहती हैं वहाँ पर कहीं पर भी बिलीव मत करो। मैं आपको एकदम ओरिजिनल कहाँ से मतलब जो ये सब डिसाइड करता है, जो एग्जाम्स कब होंगी, कल होंगी, परसों होंगी, टाइम टेबल क्या होगा, ये जो सब डिसाइड करता है उसका डायरेक्टली आपको न्यूज बताता हूँ। वो जो उसने बोला है वो आपको सीधा बताता हूँ। आपको उसी चीज पे फॉलो करना है और अब आपको रेडी रहना है एग्जाम के लिए, ठीक है। सो मेरा नाम है प्रशांत एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपको फॉलो करना है तो यू कैन डू। ओके, सो गाइज, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ डायरेक्टली कि वो कौन है और कहाँ से किस किस तरीके से आप उसे भी देख सकते हो और क्या क्या न्यूज है एग्जैक्टली, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि गाइज जो हमारे मतलब महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ मैम, तो इन्होंने सारी चीजें बताई है। इन्होंने बोला कि यंदा इयत्ता 12वीच्या परीक्षा 15 अप्रैल नंतर आणि इयत्ता 10वीच्या परीक्षा ही इयत्ता 1 मे नंतर घेण्याचा विचार करत आहे, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, मतलब एकदम जस्ट ये तो ठीक है, आपका जो लैंग्वेज है इसको आप पढ़ के समझ जाओगे, बट यहाँ पे आ जाओ। वी आर कंसिडरिंग होल्डिंग HSC एग्जाम यानी 12th का एग्जाम आफ्टर अप्रैल 15 एंड SSC यानी कि 10th का पेपर एग्जाम्स आफ्टर May 1, ठीक है। स्टेट इज कंसल्टिंग हेल्थ ऑफिशियल्स ऑन पॉसिबिलिटीज ऑफ री ओपनिंग स्कूल्स फॉर स्टैंडर्ड 5th एंड 8th, ए डिसीजन विल बी सून बी टेकन, ठीक है। तो इसके पहले इन्होंने ही कहा था कि 24 अप्रैल के पहले पेपर कभी भी नहीं होगा, ये फिक्स है, इन्होंने ही कहा था। बट अभी ये कह रहे हैं कि मतलब अभी ये कंसिडर यानी विचार कर रहे हैं कि जो 12th है और 10th है इसका पेपर जो होगा वो मतलब 12वीं का पेपर 15 अप्रैल के जस्ट बाद और जो 10th का पेपर है वो 1 मई के जस्ट बाद लेने का सोच रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनसे बातें चल रही हैं। अगर सारी चीजें सेंटर अलॉट करना पड़ेगा तो हॉल टिकट देनी पड़ेगी और फॉर्म बोर्ड का भर गया है, टाइम टेबल भी जस्ट आने वाला है, तो अभी CBSE बोर्ड का भी पेपर का अनाउंसमेंट हो गया कि 4 मई से पेपर होने वाला उनका भी, तो ठीक है। तो सारी चीजें अभी स्टेट बोर्ड को भी करनी पड़ेगी, तो इसी के आसपास मतलब मैंने बोला था ना कि अप्रैल मई के आसपास ही, लेकिन हाँ इसके पहले जो इन्होंने कहा था कि 24 अप्रैल मतलब जो 24 अप्रैल के पहले पेपर नहीं होगा, भले 25 अप्रैल से कर दें, तो अभी भी इन्होंने वही कहा कि 15 अप्रैल के बाद से पेपर होगा, तो 15 अप्रैल में भी 24 अप्रैल 25 कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल में पेपर स्टार्ट होने के चांसेस है 12th वालों का। कभी भी याद रखो 10th से पहले ही 12th का पेपर होता है, मतलब 15 दिन पहले ही 12th का पेपर होता है। अगर मान लो 1 मई से 10th का स्टार्ट किया तो फिर 15 अप्रैल से पक्का 12वीं का पेपर होगा, लेकिन पेपर का टाइमिंग अप्रैल और मई के बीच में ही रहेगा, मई के बाद जाएगा, और 15 मई के बाद तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से ये कह रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये एकदम जेन्युइन न्यूज है और ये एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने डायरेक्टली कहा है। आप चाहो तो और भी यहाँ पे बहुत सारे उसी को अलग अलग लैंग्वेज में इन्होंने लिख रखा है, आप चाहो तो पढ़ लो, बट हाँ जो मेन चीज है अभी भी बातचीत चल रही है, मतलब विचार कर रहे हैं कि 15 अप्रैल के बाद 12वीं का पेपर लिया जाएगा, चाहे कोई भी कॉमर्स वाले रहे हो, चाहे आर्ट्स वाले रहो, चाहे साइंस वाले रहो, सभी का पेपर लिया जाएगा, और 5वीं से 8वीं तक का स्कूल भी ओपन करने की बातें चल रही हैं। और जैसा हेल्थ ऑफिशियल्स जिस तरीके से कोरोना का स्ट्रेन अभी और बढ़ रहा है, अगर वैक्सीन भी आ चुकी है, तो सारी चीजें जिस तरीके से अभी अगर मैनेज हो रही हैं, और अगर मैनेज हो गई, और अगर सपोज दैट अगर सेंटर वगैरह अलॉट हो गए और सेंटर की सारी सैनिटाइजेशन वगैरह सिस्टम चल गया, तो फिर पक्का आपका एग्जामिनेशन होके रहेगा और अप्रैल मई में पक्का होगा। देखो यहाँ पे कंसिडर करने के विचार भी चल रहे हैं और अभी पेपर भी, बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल भी आ जाएगा कुछ दिन में, तो पढ़ना अब शुरू कर दो क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और तुम बहुत फायदे में भी थे क्योंकि फरवरी में पेपर होता है और कहाँ अब आपका अप्रैल में पेपर होगा, 2 महीने आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ठीक है। और ऑनलाइन स्टडी तो चल रही है, आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी कि आपको एजुकेशन नहीं मिली, और ये गवर्नमेंट वाले लोग भी मतलब आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू, मतलब टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअसली, अब आप वहां नहीं पढ़ रहे हो वो सब जानते हैं। आपको लगता हो कि अगर आप ऑनलाइन कॉलेज से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम कैसे पेपर देंगे, तो आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन भी जाते तो भी वहां पे क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। ये सबके कॉलेज, इवन मुंबई के कॉलेजेस में भी यही सिस्टम है, कोई भी कॉलेज का टीचर बेस्ट पढ़ाता ही नहीं है, और वही कॉलेज का टीचर ट्यूशन में जाएगा तो बेस्ट पढ़ाते हैं, तो ये बातें तुमको थोड़ा समझ के रखनी है। तो कहीं से भी मतलब इतना ये मत सोचो कि अगर ऑफलाइन होता तो और अच्छा पढ़ाते, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस 45 मिनट में कितना कॉन्सेप्ट पढ़ा के जाएंगे, आधा तो बच्चों को शांत करने में टाइम जाता है, ठीक है, तो ये बात तुमको समझनी है। तो इस वक्त तुमको यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन सारी चीजें मिल ही रही है, और प्लस और भी कहीं से अगर आपने पैसे वगैरह भर के भी पढ़े होंगे तो वो भी अच्छी ही बात है, तो कहीं ना कहीं से तो आपने पढ़ ही रखा है, ऐसी बात नहीं है। अब आप ट्यूशन से भी पढ़े रहोगे तो ऑनलाइन ही पढ़े रहोगे, इस वक्त
यूट्यूब सबसे बेस्ट है। और अगर आप सोचो कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ूंगा तब तो आपकी पढ़ाई खत्म कहानी है और आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर जो इंसान अडॉप्ट नहीं कर सकता सिचुएशन के हिसाब से वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको अडॉप्ट करने की शक्ति आपके पास है और अडॉप्ट करना सीख लो, ठीक है। ये बातें आपको समझ के रखनी है। तो गाइज मैं आपको पहले बता दूं कि अपने चैनल में पूरा फिजिक्स देख लो, आप यहाँ पे करीबन 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज जा चुके हैं और ये ऐसे ही नहीं है, सब तुम सबके सपोर्ट की वजह से हुआ है। और जब कुछ कंटेंट के अंदर बेस्ट चीजें हैं तभी इतने लोगों ने देखा है। और 1 मिलियन ये मतलब एक दो ऐसे छोटे नंबर्स नहीं होते हैं, 10 लाख होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट में 7 लाख से ज्यादा और बायोलॉजी में 7 लाख, ऐसे जितने भी हैं सब आप देख लो, क्लास 10th के बंदे भी सारा चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जस्ट नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करो और जाओ सारा फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ्स, यहाँ पे मैथ्स 2 सारी चीजें आप लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। और गाइस एक खुशखबरी की बात कि अपना चैनल भी देखो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, यूट्यूब ने वेरीफाई कर दिया, टिक मार्क आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी आप ना अच्छे से जाओ और सारे वीडियोस देखना शुरू कर दो। जितने ज्यादा वीडियोस देखोगे उतना दिमाग में आपके अंदर माइंड में कुछ डेफिनेशंस कुछ चीजें जाएंगी, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जैसे आज हो और इसके पहले थे वैसे ही एग्जाम के दिन भी रहोगे, कुछ नहीं याद है, नील बने रहोगे एकदम नन, एकदम अंदर कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे दिमाग में और पेपर में भी फिर वाट लग जाएगी आपके और कुछ लिख नहीं पाओगे। तो आज और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। देखोगे नहीं वीडियोस तो कुछ फायदा नहीं है क्योंकि और कहीं से रास्ता नहीं है और इतना बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। ये बातें आपको समझ के रखनी है। अडॉप्ट करना सीखो सिचुएशन के ऊपर से, अडॉप्ट करना सीखो। अडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये बात हमेशा मेरी बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो सारी वीडियोस को देखना शुरू करो, कोई बहुत नहीं है। अब मेरे को भी बनाने में 6 महीने लगे हैं, तुम भी 6 महीने में पढ़ सकते थे। बहुत सारे करीबन 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ साथ पढ़ रहे थे तो उनको फायदा है। तुमको अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, कम से कम 10 चैप्टर तो कर डालो, ठीक है। तो करोगे तो फायदे में रहोगे। आज और इसी वक्त से पढ़ना शुरू करो क्योंकि सिर्फ अब तुम्हारे पास 3 मंथ और बाकी है, मतलब जैन फिर फेब और मार्च, अप्रैल में तो पेपर ही है। तो ये बातें तुमको समझ के रखनी है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना शुरू करो, नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करोगे तो ये सारी प्लेलिस्ट आपको सीधा मिल जाएगी। मल्टीपल प्लेलिस्ट है, पॉपुलर अपलोड सब आपको मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मस्त अच्छे से आप पढ़ना शुरू कर दो। और गाइस आपको बता दूं कि अभी मैंने एक और बैच लॉन्च किए, N1 बैच, जिसमें आपका रिविजन भी हो जाएगा। मतलब कि आप यहां से पहले पढ़ के आओगे और उसके बाद रोज मैं रिविजन की वीडियो डालूंगा, उसको आपको रोज का रोज देखना। तो सारा का सारा आपका रिविजन प्लस बेस्ट नोट्स मैं दे रहा हूं, उतनी बेस्ट नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये चैलेंज है सीधा, ठीक है। तो आपको वहां पर भी आपको सारा का सारा रिवीजन मिल जाएगा, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। तो ये वीडियोस देखने के बाद N1 बैच देख लोगे बस, फिर अभी मैंने एक नोट्स का हैलोजन डेरिवेटिव को डाल रखा है तो एक बार बस उसको देखोगे फिर कमाल का, सारी चीजें आपका अपने आप कवर हो जाएंगी, ठीक है। सो गाइस लास्ट में एक चीज कह दूं कि अपने और भी 3 चैनल्स हैं, एक तो जस्ट यहाँ पे यूपीएससी के लिए, एक जस्ट ऐसे गेमिंग के लिए, इसमें कुछ करता नहीं हूं, एंड दिस इज दी फॉर कॉमर्स। तो अगर आपको अगर इसमें भी जाके सपोर्ट करना है तो यू ऑल कैन डू, ठीक है। तो अभी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे ऐसे और किसी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय। तो याद रखना 10th का पेपर 1 मई और 5th जो अपना 12th का पेपर है वो 15 अप्रैल, ठीक है, ओके। सो याद रखना इन बातों को, ओके। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।